बारहवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा जय यीशु। मुक्ति की राह में ये धर्मोपदेश के लिए उपयोग की गई इस किताब के 12वां अध्याय को आज हम करेंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि कुल मिला के 12 अध्यायों में से हम आज 12वां अध्याय कर रहे हैं, जो कि अंतिम अध्याय है। इसके बाद अपने साल भर की मेहनत खत्म। तो 12वां अध्याय को शुरू करने से पहले छोटी सी एक प्रार्थना कर हम आगे बढ़ते हैं। हे हमारे पिता, हमें आशीर्वाद दीजिए और पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से हमें बढ़ दीजिए। हे हमारे पिता, हमें आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए कि जो काम हम आज कर रहे हैं उसमें आप हमारी मदद करें। जो पढ़ाई हम करने जा रहे हैं और जितनी शिक्षा हमने ग्रहण की, ये सब आपकी महिमा के लिए हो। हमारा जीवन, हमारा कार्य और जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी हम जीवन में आगे चलकर बने, ये सब आपकी महिमा के लिए हो। पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा, हमारे साथ रहिए और हमें ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए। स्वर्ग राज्य के रहस्यों को हम समझ पाएं, ऐसी कृपा दीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। फिर से अध्याय 12 का शीर्षक है, तुम मेरे साक्षी बनोगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में ये दिया गया है कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्होंने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उनसे कहा कि तुम मेरे साक्षी बनोगे। और फिर धीरे धीरे, देखते ही देखते, वो स्वर्ग में उठा लिए गए, यानी उनका स्वर्गारोहण हो गया। उनके स्वर्गारोहण के जस्ट पहले ही, यानी बस आखिरी, उस आखिरी पल में उन्होंने ये कार्य अपने शिष्यों को सौंपा था कि जाओ तुम सारी यहूदिया, समारिया और धरती के उस कोने कोने तक, उस छोर तक जाकर स्वर्गराज्य का प्रचार करो। ये दौत्य दिया था। इस धर्मोपदेश का आपको करना सिर्फ एक है, एक ही बात करना है, तुम इसके साक्षी बनोगे। तुम जाकर अपने लोगों को, दूसरे लोगों को और सबको ये बताओगे कि तुम प्रभु यीशु के चेले हो और प्रभु यीशु ने जो कार्य तुम्हें सौंपा है, यानी जिस तरह से प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जो कार्य सौंपा था, उसी तरह प्रभु यीशु आज तुम्हें भी ये कार्य सौंपते हैं कि तुम जाओ और उनके साक्षी बनो। तुम मेरे साक्षी बनो यहां, और जहां भी तुम जाओगे वहां पर तुम मेरे लिए साक्षी बन जाओ। यही तुम्हारा दौत्य है। बपतिस्मा के द्वारा मैं और आप, हम हर कोई ईसाई प्रभु यीशु के, पिता परमेश्वर के, हम बच्चे बने हैं, संतान हैं, कलीसिया के संतान हैं। और कलीसिया के संतान होने के नाते हमें विश्वास प्रशिक्षण दिया गया। 12 साल के विश्वास प्रशिक्षण के बाद हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हमें अब एक नया दौत्य जो मिला है वो है, तुम मेरे साक्षी बनोगे। इसी का आह्वान प्रभु यीशु हमें देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर और रक्त से हमारा पोषण किया है और इसी के द्वारा हमारे जीवन में हमें जीवन जीने का प्रशिक्षण भी दिया है। और इसके अंतिम छोर पर जब हम आ चुके हैं, हमारा दौत्य ये है कि हम धरती के अंतिम छोर तक जाएं, क्योंकि प्रभु हमें ये आह्वान देते हैं और विदा करते हैं कि जाओ तुम धरती के कोने कोने तक, अंतिम छोर तक स्वर्ग राज्य की घोषणा करो। प्रभु यीशु ये कहते हैं योहन के सुसमाचार में अध्याय 13 पद संख्या 35 में। ये कहते हैं, तुम एक दूसरे से इस तरह से प्यार करो कि जब लोग जान जाएं कि तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हारे आपसी प्रेम को देखकर लोग समझें कि तुम
प्रभु यीशु के शिष्य हैं। यही कहा गया है योहन के सुसमाचार में। जिस तरह से हम अपना जीवन बिताते हैं और एक दूसरे से प्रेम भाव से रहते हैं, उसी तरह लोग समझ पाते हैं कि अरे ये तो कोई ईसाई है, कितने प्रेम भाव से रह रहे हैं। देखो, इसी से हम अपने जीवन से हम हमारे प्रभु यीशु के बारे में साक्ष्य दे सकते हैं। फिर एक दिया को जब हम जलाते हैं, इस दिए के बारे में मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, अध्याय 5, ऐसा कहते हैं कि जब दिया को जलाते हैं तो दिए को दीवट पे रखते हैं, उसे कोई बर्तन के नीचे या कंबल के नीचे ढककर नहीं रखते हैं। दीवट पर इसलिए रखते हैं ताकि उसका उजियाला, उसका प्रकाश लोगों को मिले और उससे कुछ फायदा हो। इसी तरह आपके जीवन में जो प्रशिक्षण आपको मिली है, जो प्रशिक्षण हमें मिली है, मुझे मिली है, आपको मिली है, इससे लोगों का भला हो, दुनिया का भला हो और सबको प्रेम भाव से रहने में मदद मिले। इसलिए हम अपने जीवन द्वारा हमारे प्रभु यीशु के साक्षी बने। जब कोई भी बालक पैदा होता है तो उसे बपतिस्मा से उसका नामकरण करते हैं, उससे वो बन जाता है ईसाई, प्रभु यीशु का चेला, और फिर उसे दृढ़ीकरण में पवित्र आत्मा की कृपा से भरते हैं और उसी समय से उसे ये दौत्य भी सौंपा जाता है। लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होता है कि वो अपने जीवन को अकेले ही आगे चलाए और प्रभु यीशु के साक्षी बने। तो इस अध्याय में आगे चलकर देखते हैं कि हम प्रभु के साक्षी कैसे बनेंगे, इसके उपाय क्या है, इसके मार्ग क्या है और कैसे ये संभव हो सकता है कि हम प्रभु यीशु के साक्षी बने। इसके 3 पहलू हैं। कहां कहां हम मुख्यतः अपने साक्ष्य दे सकते हैं? सबसे पहला पहलू है परिवार। आजकल के जमाने में एकल परिवार ज्यादा दिखाई देता है। पुराने जमाने में ये संयुक्त परिवार हुआ करता था, जहां पर दादा दादी और पोता पोती, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ जी और उनका परिवार, और ये सब साथ में रहते थे। और जब लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा एक साथ में रहते थे संयुक्त परिवार में, वहां पर साक्ष्य देना काफी आसान है, क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं वो परिवार की देखरेख करते हैं, छोटे अपने पोते पोतियों को कहानियां बताते हैं और अपने जीवन में जिस तरह से वो ईसाई जीवन जीते हैं उस तरह से बच्चे भी अपने आप ईसाई तौर तरीके सीख जाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ये देखा गया है कि ज़्यादातर शहरों में और छोटे छोटे जो टाउन्स हैं उनमें एकल परिवार ज़्यादा दिखाई देते हैं। और एकल परिवार में क्या होता है, मम्मी पापा और बस बच्चे। लेकिन यहाँ पर भी मम्मी पापा या माता पिता जिस तरह से अपना जीवन जीते हैं, जिस तरह से ईसाई तौर तरीकों से, ईसाई मूल्यों के हिसाब से अगर अपना जीवन जीते हैं और प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार अगर अपना जीवन व्यापन करते हैं, तो उसी के ही चलते बच्चे भी वो सीख जाते हैं और बच्चे भी अपने जीवन को उस तरह से ढाल लेते हैं। हर एक परिवार ये देखें कि पवित्र परिवार में किस तरह से वो प्रेम से रहें, किस तरह से संत जोसेफ ने माता मरियम की और प्रभु बालक यीशु की रक्षा की, उस तरह से अपने परिवार की भी रक्षा करें, मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे, ताकि दुनिया ये देखे कि हम ईसाई कैसे रहते हैं। ये हुआ पहला पहलू परिवार का। ईसाई विश्वास के साक्षी बनने का दूसरा पहलू, वो है पैरिश। पैरिश यानी पल्ली की बिरादरी, जहां पर रविवार या इतवार को हम इकट्ठा होते हैं, पूजा उपासना में भाग लेते हैं, पारिवारिक इकाइयों में यानी पारिवारिक मिलन कार्यक्रम में जब भाग लेते हैं तो हम साक्षी बनते हैं। जब हमारे कलीसिया की यानी छोटी जो अपनी पैरिश कलीसिया होती है, जो पल्ली होती है, उसमें जब लोग इकट्ठा होते हैं अपने परिवार के साथ और
पूजा में भाग लेते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, वहाँ पर होने वाले मिलन सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो वो अपने आप से वो साक्षी भी बनते हैं, साक्ष्य देते हैं और दूसरों के लिए वो नमूना भी बनते हैं। और जितने अच्छे तरीके से आप भाग लेते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से लोग ये समझते हैं कि उनको कैसे जीना चाहिए। अगर पल्ली के कार्यों में सहयोग देना ये जरूरी है, प्रेम भाव से रहना ये भी जरूरी है, पल्ली के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना और उन पल्ली के कार्यक्रमों में, पैरिश के कार्यक्रमों में भाग लेना, और ऐसे ही भाग लेना नहीं, उत्साहित होकर भाग लेना, ये जरूरी है। और जब हम ऐसे एक समूह में जब रहते हैं तो उससे, यानी ऐसे कार्यक्रमों में जब हम भाग लेते हैं, और उससे दो चीजें होती हैं, एक अपना स्वयं का विश्वास भी बढ़ता है, हम दूसरों के लिए साक्षी भी बनते हैं। तीसरा जो पहलू है वो है समाज। एक ईसाई के नाते जब हम समाज में जाते हैं, या कहीं भी हो सकता है, जैसे कि हम अपने जॉब पर जा रहे हैं, अपना जहां पर अपना काम है, और या फिर हमारे स्कूलों में जहां बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ, या फिर कोई संगठन हो उसमें हम भाग लेते हैं, तो ऐसे सारे कार्यक्रमों में जब हम भाग लेते हैं जहां पर हमारा अन्य जाति के लोग हैं, अन्य धर्म के लोगों से जब हमारा मेलजोल होता है, हम जब उनसे मिलते हैं, हमारे व्यवहार से वो समझ सकते हैं कि हम कैसे व्यक्ति हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अपने जीवन द्वारा हमने क्या दूसरों को बताया, इससे हम प्रभु येसु के साक्षी बन सकते हैं। प्रभु येसु ने जो प्रेम भाव हमें सिखाया था, जो दया, करुणा और प्रभु पर विश्वास, पिता परमेश्वर पर जो विश्वास, ये सारे जो अच्छे गुण हमें बताए थे, सिखाए गए थे, उसको हम किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, समाज में प्रस्तुत करते हैं, उससे हम साक्षी बनते हैं। एक ईसाई समाज का सदस्य ही नहीं, वह राष्ट्र का नागरिक भी है, और राष्ट्र के नागरिक होने के कारण उसके कंधे पर जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को यथावत पूर्ति जब करते हैं, तब जाकर वो एक अच्छा नागरिक बनता है। हर एक ईसाई अपने तरीके से साक्षी बन सकते हैं और साक्ष्य दे सकते हैं। मुख्यतः छह तरीके हो सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में भी ये उपयोग में आते हैं, और इसी यही नहीं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से साक्षी बन सकते हैं। सो पहला वाला है, एक अगर पहला देखें तो सबसे पहला जीवन का साक्ष्य, दूसरा सुसमाचार का बखान, तीसरा संस्कारों पर आधारित जीवन, चौथा परोपकार कार्य, पांचवा सामाजिक कार्य, और छठवा सहन का जीवन। ये जो छह तरीके हमने बताए, इन तरीकों को एक विश्वासी के जीवन में मिश्रण की तरह भी हो सकता है, या फिर अलग अलग व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी एक तरीके को चुन ले और उसी के द्वारा साक्ष्य दे दे। तो पहले तरीके को समझते हैं। पहला तरीका यह है जीवन का साक्ष्य, यानी हर एक व्यक्ति का अपना अपना जीवन है। जैसे आगे चलकर आप अभी 12वीं के कक्षा में हैं, आगे चलकर आप में से कोई डॉक्टर बन जाएंगे, कोई टीचर बन जाएंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई पायलट बनेंगे, अपने अपने जीवन में आप अपना एक जीवन निर्वाह चूज करेंगे, अपने अपने तरीके से आप जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां पर भी आप रहें, जो भी कार्य आप करें, यानी जो भी जॉब होगा आपका, अगर ऑफिस जॉब भी होगा, तब भी आप अपने जीवन के द्वारा साक्ष्य दे सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए, ये जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जीवन में आप किस तरह से साक्ष्य देते हैं। आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु ईसा को किस तरह से महिमा दे सकते हैं, ये बस आप ही जान सकते हैं। हम तौर तरीके बता सकते हैं, लेकिन आखिरी पल में, यानी हर एक व्यक्ति के जीवन में उसे अपने आप को समझना है कि वो अपने जीवन में, अपने जीवन के कार्यों में, अपने जीवन के हर पल में किस तरह से प्रभु ईसा मसीह का साक्षी बने। ये आप पर निर्भर है। जिस तरह से अब्राहम को
पिता परमेश्वर कहते हैं कि तुम सारे राष्ट्रों के लिए एक अनुग्रह बन जाओगे, उसी तरह से हमें समझना चाहिए कि हर एक विश्वासी, हर एक ईसाई अपने जीवन में जो कार्य करते हैं उससे दूसरों के लिए अनुग्रह बनते हैं। तो जो भी हम बने, चाहे वो डॉक्टर हो, व्यापारी हो, या कृषि करने वाला एक किसान हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने जीवन में जब वो दूसरों के लिए अनुग्रह बनते हैं तो वो ईसा मसीह के अच्छे साक्षी बनते हैं। हमारे कार्य को हम सेवा के रूप में, यानी किसके लिए हम सेवा दे रहे हैं, प्रभु ईसा मसीह के लिए, पिता परमेश्वर के लिए, हम ये सेवा कार्य के तौर पर हम अगर हम अपना जीवन यापन करें, अपने कार्य को, अपने जॉब को एक सेवा की तरह देखें, तब जाकर ये जो हम साक्ष्य देना चाहते हैं प्रभु ईसा मसीह का, वो साक्ष्य सही होगा। यानी कि अपने जीवन से हमें साक्ष्य देना है तो अपने कार्यों को सेवा भाव से करें, प्रेम भाव से करें, तब जाके हम अच्छे साक्षी, अपने जीवन साक्ष्य दे सकते हैं। यह हो गया पहला तरीका। अब हम समझते हैं दूसरा तरीका, सुसमाचार का बखान। सुसमाचार का बखान यानी असली रूप में अपने जीवन में सुसमाचार का बखान करने के लिए अपना पूरा सारा जीवन न्योछावर कर दे। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। यानी अपने जीवन में हम कोई डॉक्टर नहीं बने, या कोई व्यापारी नहीं बने, किसान नहीं बने, या पायलट नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, लेकिन हम बने सुसमाचार के प्रचारक। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये अगर ऑप्शन को ले ले, तो ये एक तरीका हो गया कि पूरे जीवन भर उसने सुसमाचार का बखान किया। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कैटेकिस्ट होते हैं जो गांव गांव अपने लोगों से जाकर मिलकर, गांव में रहकर लोगों से सुसमाचार की बातें करते हैं। ऐसे कैटेकिस्ट, उनके जो कार्य है वो है सुसमाचार का बखान। यानी जीवन भर उन्होंने एक ही काम किया, वो है सुसमाचार का बखान करना। इतना आसान नहीं है। जिस तरह से प्रभु यीशु ने अपने जीवन भर स्वर्ग राज्य की घोषणा की और गांव गांव जाकर यही काम किया, प्रचार का काम किया, तो वो काम हुआ सुसमाचार का बखान। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम प्रभु यीशु के साक्षी बने, हमारा मौखिक रूप से सुसमाचार का बखान करना। इसमें हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है, अपना धर्म ग्रंथ क्या कहता है इसके बारे में। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को तुम सुसमाचार सुनाओ। ये दौत्य प्रभु यीशु ने शिष्यों को दिया और उनको भेज दिया, जाओ तुम दो दो कर जाओ और गांवों में जाकर सुसमाचार सुनाओ। और शिष्य गए भी, तब न जाकर संत थॉमस हमारे भारत आए और हम प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुने। कलीसिया अपने स्वभाव से ही प्रेरित है। कलीसिया जो प्रेरित है उसका आधारभूत दौत्य सुसमाचार का बखान ही है। प्रेरिताई कार्य अध्याय 2 पद संख्या 35। दूसरी वतिकान सभा में इस बात का उल्लेख किया गया था कि किस तरह से हर एक ईसाई के जीवन में सुसमाचार का बखान करना महत्वपूर्ण है। तीसरा तरीका है संस्कारों पर आधारित जीवन। पवित्र बलिदान एक ईसाई के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। पवित्र बलिदान के द्वारा हमें स्वर्गीय आशीष मिलता है। इसलिए पवित्र बलिदान में सच्चे दिल से भाग लेना, संस्कारों को नियमित रूप से ग्रहण करना, जो भी जैसा है जिस वक्त पर लेना हो उस वक्त पर संस्कारों को ग्रहण करना, पैरिश के कार्यों में हाथ बटाना, भाग लेना, कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक सहभागिता देना, इन सभी कार्यों से हमें आशीष मिलता है और इसी के द्वारा हम दूसरों के लिए साक्षी बन जाते हैं।
यानी सबसे अच्छा जीवन संस्कारों पे आधारित जीवन। ये तो कोई साधारण ईसाई व्यक्ति कर सकता है। इसमें सिर्फ एक चीज जरूरी है कि हम उत्साह पूर्वक पैरिश में, पैरिश के कार्यों में भाग लें, और जब भी कार्यक्रम को रखा गया हो रविवार को नियमित रूप से आना और पैरिश के लोगों से संबंध रखना, प्रेम भाव रखना, जुड़े रहना और अच्छे मन से सभी कार्यों में भाग लेना। ये पूरी तरीके से देखा जाए तो संस्कार पर आधारित जो जीवन है उससे कोई भी ईसाई, साधारण ईसाई व्यक्ति साक्षी बन सकता है और प्रभु ईसा के प्रेम का साक्षी दे सकता है। परोपकार के कार्य यानी दुखित, पीड़ित, अगति एवं पतित लोगों की सहायता करना। आपको याद होगा, ज्ञात होगा कि प्रभु यीशु अपने जीवन काल में एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। वो भी जब वो सुसमाचार का की प्रचार करते थे और स्वर्ग राज्य की घोषणा करते थे, तो उसके साथ साथ सबसे पहले वो ये देखते थे कि गूंगे, बहरे, लंगड़े, गरीब, लाचार, ऐसे लोगों की सहायता करते थे, उनको चंगाई देते थे। यही हम अपने जीवन में भी कर सकते हैं। हो सकता है कि हम एक गांव से दूसरे गांव ना जा पाए, लेकिन हम जहां पर भी रहे वहां आसपास ये देखे कि कोई अगर दुखित, पीड़ित, अगति या पतित लोग हैं तो उनकी सहायता कर दे। अगर हम सीधा सीधा अपने हाथों से ही सहायता नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से मदर तेरेसा अपने जीवन काल में लोगों की सहायता करती थी, तो फिर ऐसा तो कर सकते हैं कि हम आर्थिक तौर पर लोगों की सहायता कर दें। इसलिए पैरिश के स्तर पर, संन्यस्त बिरादरियों के स्तर पर, धर्म प्रांत के स्तर पर ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जिसके द्वारा हम ऐसे दुखित, पीड़ित, अगति, पतित लोगों की सहायता कर सकें। ऐसे सारे संस्था जो हैं, वो हम ऐसे लोगों के लिए करते हैं क्योंकि उसमें कोई जाति भेदभाव या धर्म का भेदभाव नहीं है। हम बिना जाति भेदभाव करे, बिना धर्म को देखे किसी भी गरीब, लाचार, अगति, पतित लोगों की अगर सहायता करें तो वो हो गया परोपकार कार्य। कलीसिया के नेतृत्व में चलाए गए ऐसे जो संस्थाएं हैं, जैसे अगति घर, शैक्षणिक संस्थाएं, विकलांगों के लिए संस्थाएं और वृद्ध भवन, ऐसे जो ऑर्फनेजेस हैं, इन सभी से हम ये समझ सकते हैं कि प्रभु ईसा मसीह के लिए हम दूसरों के सामने साक्षी बने। इसके लिए हम ऐसी संस्थाएं कलीसिया के नेतृत्व में चलाते हैं। इसका ये महत्व है कि हम बस ईसाइयों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के सारे लोग, चाहे वो कोई भी भाई बहन हो, उनको जब हम मदद करना चाहे तो बिना कोई भेदभाव हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगला तरीका है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में जिस तरह से हम परोपकार कार्य समाज में ही करते हैं, उसी तरह सामाजिक कार्य में देखा जाए तो समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं, कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिनके लिए हमें खड़े होकर आवाज उठाना पड़े, हल्ला बोलना पड़े। हम ये बोल सकते हैं कि हम अपने जीवन से कुछ अच्छाई इस समाज में ला सकते हैं। किस तरह से हम समाज में अपने होने के कारण अनुग्रह प्रदान कर सकते हैं, किस तरह से हम समाज में कुछ भलाई, कुछ अच्छाई ला सकते हैं, इसके द्वारा हम प्रभु यीशु के साक्षी बन सकते हैं। जो भी कार्य करें वो प्रभु यीशु की महिमा के लिए करें। सहन का जीवन। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे बातें होती हैं कि उनको जीवन में दुख दर्द सहना पड़ता है। दुख दर्द सहना
अपने आप में ही एक साक्ष्य देना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने आपके जीवन द्वारा ऐसा कुछ कार्य कर दिया और आपको शहादत मिल गई, बस इसके अलावा दूसरा कोई अच्छा मार्ग है ही नहीं कि आप प्रभु के साक्षी बने। अगर आपको आपका रक्त भी बहाना पड़े, आपका जीवन त्याग भी करना पड़े, तो आपको तैयार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक ईसाई के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो अपने जीवन में स्वर्ग राज्य के मूल्यों को पहले सामने रखें, फिर अपने अपने इच्छाओं के अनुसार जिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ईसाई अपना मार्ग भूल जाते हैं और वो अपने स्वार्थ को, अपने मन की इच्छा को पहले रखते हैं और प्रभु का वचन भूल जाते हैं। जो व्यक्ति प्रभु के वचन को, प्रभु के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करता है, उसे प्रभु कहते हैं, तुम अगर मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो अपना आत्मत्याग करो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो जाओ। जो भी व्यक्ति प्रभु येसु का अनुयायी है, अगर प्रभु येसु का चेला है और सच्चा ईसाई है, तो उसे सहन झेलना पड़ेगा। अपने जीवन में उसे तकलीफें उठानी पड़ेगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इन 12 साल के विश्वास प्रशिक्षण के बाद मैं तुम लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि आपके सामने बस एक वाक्य है, तुम येसु के साक्षी बनो। प्रभु येसु तुमसे ये कहता है, इतना प्रेम करते हैं कि तुम मेरे साक्षी बनो। प्रभु येसु ने पेत्रुस से कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? 3 बार पूछा। संत पेत्रुस ने कहा, हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूं। उन्होंने 3 बार उत्तर दिया और 3री बार प्रभु येसु ने कहा कि जाओ तुम मेरे भेड़ों को चराओ, यानी मेरे अनुयायियों का नेतृत्व करो, उनके नेता बन जाओ। इसी तरह से प्रभु येसु आपको भी यही कहते हैं, जाओ, तुम भी जाओ और मेरे साक्षी बनो। कहां पर? पृथ्वी के अंतिम छोर तक, गांव गांव में, देश विदेशों में, या फिर जहां तुम हो वहां पर प्रभु येसु का महिमा, प्रभु येसु की महिमा करो और स्वर्ग राज्य की घोषणा करो। यही तुम्हारा दौत्य है। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है और इस पाठ में जितने प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आप ढूंढ निकालिए और फिर आप उनको आपकी किताब में उसका उत्तर लिखिए। इसके इस पाठ के अंत में एक वाक्य दिया हुआ है, यानी प्रभु वचन दिया है जो आपको कंठस्थ करना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 में दिया गया है, तुम पृथ्वी के नमक हो और संसार की ज्योति हो। इस वाक्य को कंठस्थ कीजिए और अपने जीवन में उसका उपयोग कीजिए। प्रभु की ज्योति तुम्हारे अंदर चमकती रहे।